Welcome to Gazeball. Make sure to subscribe. Hey guys and welcome back to our YouTube channel. और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेन 10 के टॉप 10 एलियंस को। बेन टेनिसन एक ऐसा लड़का जिसके पास एक कमाल की वॉच है जिससे वो किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और उसके पास उस एलियन की पावर आ जाती है और ये वॉच बनाती है उसे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बींग। आज इसी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेन 10 के सबसे खतरनाक एलियंस जो बहुत ही पावरफुल हैं। और वीडियो में जाने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो या आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 10। तो नंबर 10 पर हमारे पास है स्वम फायर। ये नंबर 10 पर इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल है। अगर इसको कंपेयर करें हीट ब्लास्ट से तो ये पावरफुल फ्लेम थ्रो कर सकता है और साथ ही साथ इसके पास है इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ। इसके पास रीजनरेशन की एबिलिटी भी है और अगर इसकी और एबिलिटीज की बात करें तो इसके पास है रीजनरेशन, मीथेन प्रोजेक्शन, सीड जनरेशन और इलास्टिसिटी। और इसी के साथ जब ये अल्टीमेट एलियन में कन्वर्ट होता है तो इसकी ये सारी पावर और ज़्यादा एनहेंस हो जाती हैं। नंबर 9। तो नंबर 9 पर हमारे पास है ह्यूमांगसोर। ये नंबर 9 पर इसलिए है क्योंकि जब ये अल्टीमेट एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है तो इसकी पावर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उस टाइम ये रेगुलर ह्यूमांगसोर को बहुत ही आसानी से हरा सकता है। साथ ही अल्टीमेट फॉर्म में ये रेगुलर वेबिक को भी बहुत आसानी से हरा देता है। अगर इसकी एबिलिटीज़ की बात करें तो इसके पास है सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी, सुपर एजिलिटी। नंबर 8। तो नंबर 8 पर हमारे पास है डायमंड हेड। तो डायमंड हेड हमारी इस लिस्ट में इसलिए है क्योंकि इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ही कमाल की है। ड्यूरेबिलिटी के अलावा इसकी और एबिलिटीज़ की बात करें तो इसके पास है क्रिस्टल कंस्ट्रक्शन, एक्सप्लोजिव प्रोजेक्टाइल, रीजनरेशन, एजिंग इम्यूनिटी, हीट रेजिस्टेंस जैसी कुछ कमाल की एबिलिटीज़। तो चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 7। तो नंबर 7 पर हमारे पास है बेग चिल। ये नंबर 7 पर इसलिए है क्योंकि इसके पास है कमाल की एबिलिटी जो कि है इंटेंजिबल, मतलब कि ये किसी भी चीज़ के आर पार जा सकता है। साथ में ये उड़ सकता है और अपने अपोनेंट को फ्रीज भी कर सकता है। इसकी कुछ कमाल की एबिलिटीज़ की बात करें तो उसमें है फ्लाइट, फ्रीजिंग ब्रेथ, इंटेंजिबिलिटी, डेंसिटी शिफ्टिंग, अंडर वाटर ब्रीथिंग और भी बहुत सारी। तो चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 6। तो नंबर 6 पर हमारे पास है क्रोमा स्टोन। ये नंबर 6 पर इसलिए है क्योंकि इसकी बॉडी नियरली इनडिस्क्राइबेबल है। ये बहुत सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और साथ ही उनको बाद में प्रोजेक्ट भी कर सकता है। अगर इसके कमाल की एबिलिटीज़ की बात करें तो इसमें है अल्ट्रा वायलेट एनर्जी, अल्ट्रा वायलेट फोर्स फील्ड एनर्जी, एब्जॉर्प्शन, रीडायरेक्शन, लाइट जनरेशन और भी बहुत सारी। नंबर 5। तो नंबर 5 पर हमारे पास है एक कमाल का एलियन जो कि है फीडबैक। फीडबैक कुछ कुछ क्रोमास्टोन की तरह ही है। ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है थोड़े डिस्टेंस से और इसको वापस छोड़ भी सकता है और साथ ही इसने मालवेयर को भी हराया है। अगर इसकी कमाल की एबिलिटीज़ की बात करें तो इसमें है इलेक्ट्रोकाइनेसिस, एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी रीडायरेक्शन, एनहेंस स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, जंपिंग रिफ्लेक्सेस, स्पीड और भी बहुत सारी चीज़ें। नंबर 4। तो नंबर 4 पर हमारे पास है वे बिग। ये बहुत ही जाइंट एलियन है। इसकी बात करें तो ये बहुत ही बड़े बड़े अटैक्स को रोक सकता है। इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और जब ये अपने अल्टीमेट फॉर्म में आता है तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये बड़े बड़े थ्रेट्स को अकेला ही रोक सकता है। अगर इसकी कमाल की एबिलिटीज़ की बात करें तो इसके पास है कॉस्मिक डिस्क, कॉस्मिक रेस, फ्लाइट, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ और भी बहुत सारी एबिलिटीज। नंबर 3। तो नंबर 3 पर हमारे पास है क्लॉकवर्क। क्लॉकवर्क इस लिस्ट में नंबर 3 पर इसलिए है क्योंकि ये टाइम को मैन्युपुलेट कर सकता है और कंट्रोल कर सकता है। अगर इसकी कमाल की एबिलिटीज की बात करें तो इसके पास है टाइम मैन्युपुलेशन, एनहेंस स्ट्रेंथ, स्पेस सर्वाइबिलिटी, क्रोनोकाइनेसिस और भी बहुत सारी एबिलिटीज।
नंबर टू, तो नंबर टू पर हमारे पास है एटॉमिक्स। ये इस लिस्ट में है क्योंकि इसके पास कुछ कमाल की एबिलिटीज़ हैं और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर उन एबिलिटीज़ की बात करें तो इसके पास है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, हीट जनरेशन, लाइट एनर्जी फ्यूजन, एनर्जी मैनिपुलेशन, एनर्जी शील्ड, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, एजिलिटी और भी बहुत सारी चीज़ें। नंबर वन, तो अब हम आ गए हैं नंबर वन पर और ये कैरेक्टर बहुत ही कमाल का है। इस कैरेक्टर्स की पावर यूनिवर्सल लेवल की है और ये है एलियन एक्स, और इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। अगर इसकी पावर्स की बात करें तो ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग है यूनिवर्स में। इसके पास बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं जैसे कि ओमनीपोटेंट, मतलब कि ये हर जगह प्रेजेंट है, और साथ ही बात करें तो ये रियलिटी, टाइम और स्पेस को अपने अकॉर्डिंग बदल सकता है। अगर इसकी एबिलिटीज़ की बात करें तो इसके पास है इमॉर्टेलिटी, रीजनरेशन, टाइम मैन्युपुलेशन, टेलीकाइनेसिस, सेल्फ रेप्लिकेशन और भी बहुत सारी एबिलिटीज़। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने व्यूज़ कॉमेंट करना। एंड वी विल सी यू गाइज इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।